गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग्स का है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में डिप्लोमा में एक कोर्स होता है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग जिसमें से सिविल के जो पार्ट्स होते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है तो सिविल्स के पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें आपके कुछ ज़्यादा हमें बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है सिविल्स के बारे में जैसे कि आपकी कंक्रीट्स के बारे में तो ये वीडियो जो है ये आपकी कंक्रीट्स के बारे में है तो आपकी सबसे पहले तो आपके इसमें जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमा सिलेबस वो है वॉट इज कंक्रीट देन वेरियस इन्ग्रीडियंट्स ऑफ कंक्रीट और आपका है डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो, वर्कबिलिटी फिजिकल टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बस इतना सा आपको पढ़ना है तो सबसे पहले हम चलते हैं कंक्रीट आपकी क्या होती है कॉम्स टू दी वॉट इज कंक्रीट तो आपको सबसे पहले तो कंक्रीट क्या होती है तो कंक्रीट की बिल्कुल सिंपल सी जो डिफिनेशन होती है वो आपकी होती है कंक्रीट इज दी मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट एलोंग विथ वाटर तो आपकी उससे जो हमारा मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट यहाँ आपकी कंक्रीट की डिफिनेशन दी हुई है कंक्रीट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियली बाई हार्डनिंग ऑफ दी मिक्सचर ऑफ सीमेंट जैसा कि मैंने बताया मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल्स ग्रेवल्स को ही हम एग्रीगेट्स बोलते हैं एंड वाटर इन प्री डिटमाइंड प्रोपोर्स उसमें आपकी पहले से वाटर के प्रोपोर्शन को हम प्री डिटमाइंड कर देते हैं कितना हमें वाटर चाहिए। व्हेन दीज इंग्रेडिएंट आर मैक्स्ड, दे फॉर्म ए प्लास्टिक मास, व्हिच कैन बी प्योर्ड इन सुटेबल मॉल्स, कॉल्ड फॉर्म्स एंड सेट ऑन स्टेंडिंग इनटू हार्ड सॉलिड मास। इतना आपको वैसे डिफिनेशन पढ़े। बस यहाँ तक आप देखिए कं क्रीट इज ए प्रोडक्ट ऑपटेन आर्टिफिशियली बाई हार्डनिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड ग्रेवर एंड वाटर इन प्रीडि डिटर्माइंट प्रपोजल यहाँ आपका दिया हुआ है कि कंक्रीट्स की सेटिंग टाइम्स के बारे में भी आपकी लिखी हुई है कि सेटिंग टाइम्स आपकी जो होती है सेटिंग टाइम्स हमारी टू टाइप्स की होती है एक आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है एक आपकी फाइनल सेटिंग टाइम होती है इनिशियल सेटिंग टाइम्स में आपकी जो होती है जब उस पर हल से मार्क करें और आपकी उस पर स्क्रैच बन जाए तो उसको हम बोलते हैं इनिशियली कंक्रीट आपकी सेट हो गई है तो उसकी आपकी थर्टी मिनट्स होती है इनिशियल सेटिंग टाइम्स एंड जब कंक्रीट्स पे हम मार्क करें और उस पर कोई भी आपके मार्क नेल से मार्क करने पे कोई भी निशान नहीं बनता है तो वो आपकी होती है फाइनली उसको हम बोलते हैं कंक्रीट इज़ फाइनली सेट और ये जो होती है आपकी सिक्सटी मिनट ये आपकी होती है टेन आवर्स होती है वैसे टेन आवर्स फाइनल सेटिंग टाइम और थर्टी मिनट्स आपकी होती है इनिशियल सेटिंग टाइम नाउ वॉट आर दी इन्ग्रीडियंट्स ऑफ कंक्रीट तो कंक्रीट्स अभी मैंने बताया कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट अलॉन्ग विथ वाटर तो सबसे पहला जो इंग्रेडियंट आता है कंक्रीट में वो आपकी होती है फर्स्ट इंग्रीडियंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज दीमेंट सीमेंट क्या होती है सीमेंट क्या करती है सीमेंट इज ए बाइंडर ए फाइनली पाउडर मिक्सचर ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सेट एंड हार्ड एंड कैन बाइंड अदर मटेरियल सीमेंट्स का आपकी जो मेन काम जो होता है जो भी हम कंक्रीट में मटेरियल यूज करते हैं उनको एक दूसरे से बाइंड करने का इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइंडर मटेरियल और सीमेंट आपकी अकेले आपकी बाइंडिंग का काम नहीं करता है सीमेंट हमारी बाइंडिंग का काम करती है जब उसमें हम वॉटर को ऐड करते हैं और आफ्टर बाइंडिंग जैसे ही इसमें वाटर ऐड करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम सीमेंट आपकी हार्डेन हो जाती है सीमेंट्स यूज इन कंस्ट्रक्शन कैन बी कैरेक्टराइज एर बीइंग आइदर हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट सीमेंट्स आर आर टू टाइप एक आपकी हाइड्रोलिक सीमेंट होती है एक आपकी नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सीमेंट टू बी यूज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अब आपको किस टाइप की कंक्रीट प्रोड्यूस करनी है उसी के बेसिस पे आपकी सीमेंट के हमारे डिफरेंट टाइप होते है जैसे कि आपका जो होता है सबसे फ्रिक्वेंटली यूज जो होता है एक आपकी होती है ओपीसी सीमेंट एक आपकी होती है पीपीसी सीमेंट मेन आपके दो सीमेंट्स होते हैं बाकी वैसे आपकी बहुत सी सीमेंट होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है आपकी एक आपकी होती है कोल्ड वेदरिंग सीमेंट हॉट वेदरिंग सीमेंट फ्लाई एस बेस्ट सीमेंट फ्यूम बेस्ड सीमेंट जी जी बी एस बेस ऐसे आपकी बहुत सी सीमेंट्स की लो रेजिस्टेंस सीमेंट हाई हीट सीमेंट तो मेन जो सीमेंट्स के आपके दो जो कैटेगरी होती है एक आपकी होती है ओपीसी ओपीसी और एक आपकी होती है पीपीसी पीपीसी ओपीसी जो होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है और पीपीसी जो होती है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट ओपीसी इज द प्योर फॉर्म ऑफ सीमेंट तो इसमें अगेन आपकी ओपीसी को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है थर्टी थ्री ग्रेड फोर्टी थ्री ग्रेड और फिफ्टी थ्री ग्रेड ये ओ पी सी होती है ऑर्डिनली पोर्टलैंड सीमेंट ये तीन टाइप्स के वगैरह होते हैं थर्टी थ्री ग्रेड फोर्टी थ्री ग्रेड फिफ्टी थ्री थर्टी थ्री ग्रेड जो है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होता है तो वहाँ यूज करते हैं फोर्टी थ्री नॉर्मली हम रिसर्च वर्क में यूज करते हैं नॉर्मल कंक्रीट बनाने के लिए फिफ्टी थ्री जो होता है जहाँ आपको स्ट्रेंथ हमें ज्यादा लेनी होती है उस केस में हम फिफ्टी थ्री ग्रेड यूज करते हैं बट दिस ओ पी सी अगेन नॉट यूज फॉर दी पब्लिक पर्पज पब्लिक इसको आम पब्लिक इसको यूज नहीं कर सकती दिस इज ओनली फॉर दी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स नेक्स्ट आपकी होती है पीपीसी पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट ये जो होती है सीमेंट इसमें आपकी थर्टी परसेंट हमारी जो होती है अपटू थर्टी परसेंट पोजोलोनिक मटेरियल्स हम मैच करते हैं पोजोलोनिक मटेरियल्स आपकी जो होती है लाइक फ्लाई एस सिल्का फ्यूम जी जी बी एस ये सारे हमारे पोजलोनिक मटेरियल्स होते हैं इट मीन्स आपकी पीपीसी आपके यूज करने से क्या होती है सीमेंट की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है ओ कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू आपकी पी एंड दीज ऑल पोजलोनिक मटेरियल्स आर दी फ्रीली अवेलेबल इन दी इनमेंट

टू बी यूज इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर वही सीमेंट्स जो है यूज कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए सेकेंड आपकी जो इनग्रेडियंट यूज होती है कंक्रीट्स में वो आपकी होती है एग्रीगेट aggregate. अब एग्रीगेट्स क्या होती है एग्रीगेट इज ए जनरल टर्म अप्लाइड टू दोज इनड और केमिकली इन एक्टिव मटेरियल्स विच वेन बॉन्डेड टूगेदर बाई सीमेंट फॉर्म कंक्रीट आपकी जो एग्रीगेट से जब इसको हम सीमेंट के साथ बॉन्ड करते हैं तो ये आपकी एक बहुत ही मजबूत सा बॉन्ड बना लेता है तो वो आपकी जो होती है मटेरियल्स होती है इट इज इन डिफरेंट सेप एंड साइज इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइननेस एक आपकी होती है आईएस एस सीप्स सीप्स होती है चलनी आपने नाम सुना होगा जो आटा चालने के लिए यूज होती है वैसे ही हमारी सिविल इंजीनियरिंग में भी आपकी सैंड को सीव करने के लिए सॉयल को सीव करने के लिए डिफरेंट इंडिया ने आपकी सीप्स की साइज़ बना दी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड सीप्स कहते हैं ये आपकी डिफरेंट साइज की होती है सिक्सटी एम एम होती है फोर्टी एम एम होती है ट्वेंटी फाइव एम एम की आई एस सी बोती है ट्वेंटी एम एम की आई एस सी बोती है टेन एम एम की आई एस सी बोती है फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम की आई एस सी बोती है टू पॉइंट थ्री सिक्स एम एम की आई एस सी होती है, mm है, mm है, mm है, mm है ये सब एम mm एम में है वन पॉइंट वन एट एम एम की आई एस सी होती है फिर अब हम माइक्रोन में आ जाएंगे सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर थ्री हंड्रेड माइक्रोमीटर वन फिफ्टी एम माइक्रोमीटर एंड लास्ट वन इज़ योर सेवेंटी फाइव माइक्रोमीटर ये सब जो सिप्स है हैं ना ये नॉर्मली जो है हम फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं तो एग्रीगेट्स को जो है मोस्ट ऑफ एग्रीगेट्स हमें मिलती कहाँ से है जो भी आपके रॉक्स होते हैं नेचुरल ऑकरिंग एग्रीगेट जो होते हैं जो भी हमारे रॉक्स वगैरह प्रेजेंट्स उसको आपको क्रस करने के बाद से जब उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब उसको क्रश करते हैं तो वो आपकी होती है एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स आपकी जो अब नाउ इज वॉट आर दी क्लासिफिकेशन कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे तो मेन जो आपके क्लासिफिकेशन होता है एक तो आपकी होती है कोर्स एग्रीगेट और एक आपकी होती है फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट्स क्या होती है जब हम एग्रीगेट्स को 4.75 पॉइंट mm की आई से पास कराते हैं या 4.75 पॉइंट mm लिखा हुआ है यहाँ मैंने लिखा हुआ था कि आई नंबर है फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम की आई एस सीब से पास कराएं और उससे वो आपकी उस पे रिटेन हो कि आपकी जो है है पास नहीं हो रही है। उसके जो आपकी सीब है उसके ऊपर ही रह जाती है तो उसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट उसी को हिंदी में आपकी किताब में बोलते हैं मोटा मिलावा ठीक है नाउ एक आपकी होती है फाइन एग्रीगेट अब फाइन एग्रीगेट्स क्या होती है जब हम एग्रीगेट्स को 4.75 पॉइंट mm एम की आई एस से पास कराएं और वो एग्रीगेट उससे पास हो जाए उससे छन के निकल जाए तो वो आपकी होती है फाइन एग्रीगेट इनमें से आपकी जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपके है फाइन होते हैं उसी को हम सैंड भी बोलते नाउ एग्रीगेट्स को हम ये तो आपकी हो गई ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज क्लासिफाई कर देते हैं एग्रीगेट्स को हम और डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से एग्रीगेट्स आपके मिल रहे हैं तो एक आपकी होती है नेचुरल एग्रीगेट एक आपकी होती है आर्टिफिशियल एग्रीगेट नेचुरल एग्रीगेट जो होती है जिसका सोर्स जो होता है ओरिजिन आपकी नेचुरली जो हमें मिलती है जो भी हमारे इन्वामेंट्स में रॉक्स वगैरह अवेलेबल हैं उसको क्रस करके जो है एग्रीगेट्स बनाते हैं उसको हम नेचुरल एग्रीगेट करते हैं और जो एग्रीगेट्स आपकी मैन मेड जिसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं वो आपकी होती है आर्टिफिशियल एग्रीगेट जैसे कि आपके प्लास्टिक्स के एग्रीगेट्स आते हैं आपके फोम के एग्रीगेट्स आते हैं आपके आजकल तो हमारे स्टील्स के भी बॉल्स आने लगे हैं शेप में स्टील्स के एग्रीगेट्स आते हैं ऐसे आपके डिफरेंट एग्रीगेट्स यूज होते हैं ये आपकी है लिमिट ऑफ कंटेंट ऑफ़ डिटोरियस मटेरियल्स ये आई कोड जो इंडियन स्टैंडर्ड वो थ्री एट थ्री नाइनटीन सेवेंटी में आपकी एग्रीगेट्स की आपकी सही कितना हमें यूज करना है उसके बारे में आपकी दी हुई है कि कितना हम फाइन एग्रीगेट्स यूज करेंगे कितना हम कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे तो जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं कंक्रीट में आपकी एक तो सीमेंट होती है दूसरा आपकी एग्रीगेट होती है एग्रीगेट हमारी दो टाइप्स की होती है फाइन और कोर्स तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट्स की जो रेशियो होती है क्योंकि आपको जब कंक्रीट का जो हमें मिक्स करते हैं तो आपकी जो हमें एक जो मटेरियल मिलना चाहिए वो आपकी ऐसे मिलनी चाहिए कि जिसके बीच में आपकी बिल्कुल वाइट्स ना हो तो इसलिए हम क्या करते हैं कोर्स एग्रीगेट्स यूज करते हैं और फाइन एग्रीगेट्स यूज करते हैं क्योंकि जो कोर्स एग्रीगेट्स के जब दो कोर्स एग्रीगेट्स होंगे तो आपके उसके बीच की जो गैप्स होती है वो सैंड फिल करती है फाइन एग्रीगेट्स जो है वो फिल करती है और फाइन एग्रीगेट्स चूँकि साइज में आपके इतने भी स्मॉल नहीं होते हैं लेकिन जो आपके सीमेंट होती है सीमेंट्स की फाइननेस आपकी जो होती है जब नाइन्टी एम एम माइक्रोन 19 माइक्रोन की आई एस से पास हो जाती है तो वो सीमेंट्स आपकी उसकी हम उससे फाइननेस निकालते हैं तो जो सैंड के बीच में आपके जो गैप होते हैं उसको हमारी क्या करती है सीमेंट फिल करती है एग्रीगेट्स का और क्लासिफिकेशन होता है ऑन दी बेसिस ऑफ देयर सेप आपने देखा होगा कुछ आपके एग्रीगेट्स जो हैं राउंडेड शेप में होते हैं कुछ आपके एंगुलर शेप्स में होते हैं तो जो कंक्रीट्स के लिए आपकी जो सीमेंट एग्रीगेट्स यूज की जाती है कोर्स एग्रीगेट दैट शुड बी इन एंगुलर शेप क्योंकि एंगुलर शेप्स की अगर आपकी एग्रीगेट्स होगी तो उनकी जो बॉन्डिंग होगी एक दूसरे के साथ जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो वो आपकी अच्छी होती है बीच में हमारे उसमें व्हाइट्स रहने के चांसेस नहीं रहते नेक्स्ट आपका जो है थर्ड इंग्रेडिएंट्स हम आपकी कंक्रीट की आती है वो आपकी होती है वाटर वाटर तो सबको पता होगा इट शुड बी पोर्टेबल जो भी वाटर हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज करें वो आपकी टैप वाटर होनी चाहिए जो भी आपकी ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं या टैप वाटर कभी भी वाटर जो साल्टी वाटर होता है सी वाटर्स होता है वो हम एग्रीगेट्स के कंक्रीट बनाने के लिए नहीं यूज करते हैं पी पीएच वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी जो वाटर हम कंक्रीट्स में यूज करें उसकी पीएच वैल्यू सिक्स से कम होनी चाहिए उसमें आपकी वाटर में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए लाइक ऑयल एल्कली एसिड एटसेट्रा वाटर दैट वी ड्रिंकिंग एंड हैविंग नो प्रोनाउंस टेस्ट ऑर्डर इज सुटेबल फॉर यूज इन मेकिंग कंक्रीट इट कहने का मतलब अभी मैंने बताया कि जो भी हम वाटर यूज करते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर जो पानी आप पीते हैं उसी पानी को हम कंक्रीट्स के लिए भी यूज करेंगे अगर आपकी वाटर में इम्प्योरिटी होगी तो वो आपकी कंक्रीट्स की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको इफेक्ट करती है जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी उससे चेंज हो जाएगी कंक्रीट सेटिंग टाइम जो होगी वो आपकी डिले हो जाएगी चेंज हो जाए कई बार आपने देखा होगा कंक्रीट वगैरह में आपकी ऊपर जो है सरफेस पे वाइट वाइट साल्टी टाइप्स के मटेरियल्स निकल के आ जाते हैं ऐसा लगता है कि साल्ट है उसी को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस तो ये भी आपकी जो होती है जब वाटर में हमारी जो होती है एसिड कंटेंट्स होते हैं तो इस वजह से आपके जो है सरफेस पे हमारे एक पाउडर फॉर्म में दिखने लगता है कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट अगर हम रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं जैसे कि भीम बना रहे हैं कॉलम बना रहे हैं तो आपकी अगर वाटर जो है वो गुड क्वालिटी की नहीं है तो उसमें आपकी क्या हो जाएगी कोरोजन हो जाएगी न ये तो तीन हमारे जो होते हैं जनरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कंक्रीट में यूज करते हैं अब आपके जो होते हैं कुछ जब हमें स्पेशल टाइप्स की कंक्रीट बनानी होती है जैसे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा बने तो कुछ हम एडमिक्चर्स वगैरह यूज करते हैं नॉर्मल जो घरों में बनाते हैं वो तो आपके सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से ही बन जाती है लेकिन जब हमें हाई कुछ स्पेशल कैटेगरी के, के एग्रीगेट्स बनाने होंगे जैसे कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनानी है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट बनानी है पॉलीमर कंक्रीट बनानी है पॉलीप्रोप्लीन कंक्रीट बनानी है इस टाइप्स की अगर कुछ डिफरेंट टाइप्स की कंक्रीट बनानी है तो उस केस में हमारी जो है एडमिक्चर्स को ऐड किया जाता है एडमिक्चर्स मे बी इन लिक्विड फॉर्म या मे बी इन सॉलिड फॉर्म एडमिक्सचर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं तो एडमिक्चर्स का काम क्या होता है कंक्रीट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो भी फ्रेश एंड हार्डन स्टेट की अभी आपको आगे बताया जाएगा कि कंक्रीट की आपकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो उस प्रॉपर्टी को ये क्या करता है इन्हांस कर देता है इंक्रीज कर देता है ड्यू टू द सम क्वांटिटी ऑफ द एडमिक्चर्स एक तो आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना ड्राफ्टिकली चेंज कर देता है हार्डनेस कई बार हमारी कंक्रीट जल्दी हमें चाहिए होता है जैसे कि आपका अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट अंडर, कंस्ट्रक, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है या रिवर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है तो अगर कंक्रीट आपकी दस घंटे में सेट होगी तो उतने देर आपका जो है सारा काम जो रुका रहता है तो इस वजह से वहाँ पे जो हम यूज करेंगे ऐसा एडमिक्चर डालेंगे जिससे कि आपकी कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए तो आपकी हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है वाटर रजिस्टेंस पावर रजिस्टेंस टू एसिड एंड एल्कलीज अटैक आपकी केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में आपने देखा होगा जो भी हमारे फ्लोर वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगी कंक्रीट जगह जगह से खुरदुरा टाइप्स का सरफेस हो जाता है तो इस केस में आपकी जो होती है हम एडमिक्चर्स ऐड कर दें तो आपकी वो जो सरफेस जो है वो आपकी एसिड की अटैक से आपकी कंक्रीट की सरफेस जो है वह खराब नहीं होगी और सेटिंग टाइम्स को आपकी इंक्रीज कर दे ये सारी प्रॉपर्टीज को अगर आपको इंक्रीज करनी है तो उस टाइप टाइप्स डालेंगे अगर डिक्रीज करनी है तो उस टाइप का एडमिक्सर डालेंगे अब एडमिक्चर्स हमारे जो होते हैं क्या होते हैं एडमिक्चर्स आर ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और फ्लूड सभी मैंने बताया कि एडमिक्चर्स आपके लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और आपकी सॉलिड्स फॉर्म में भी हो सकते हैं दैट आर एडेड टू द कंक्रीट आइदर बिफोर और ड्यूरिंग इट्स मिक्सिंग टू अल्टर इस प्रॉपर्टी सर्च एज वर्कबिलिटी क्यूरिंग टेम्परेचर रेंज सेटिंग टाइम कलर एंड टू गिव इट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम एडमिक्चर्स को जब कंस्ट्रक्शन करते हैं या तो जब मिक्स करते हैं कंक्रीट को मिक्सिंग के समय या मिक्सिंग के बाद से ऐड कर सकते हैं आपकी उसकी प्रॉपर्टी को ऑल्टर करने के लिए मॉडिफाई करने जैसे कि आपकी वर्केबिलिटी होती है वर्केबिलिटी जो होती है फ्रेश प्रॉपर्टी ऑफ दी कंक्रीट्स होती है उसको मॉडिफाई करना है क्यूरिंग कंक्रीट्स को हम नॉर्मली जो है ट्वेंटी एट डेज तक आपकी वाटर में डीप करके रखते हैं तो आपकी उसकी जो भी स्ट्रेंथ के लिए हमने कंक्रीट को कॉस्ट किया है वो स्ट्रेंथ आपकी तब तब हुआ आएगी तो क्योरिंग हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि अट्ठाईस दिन हम कंक्रीट्स को क्योरिंग दें तो आपके क्योरिंग के टाइम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं उसकी जगह एडमिक्चर डाल सकते हैं टेम्परेचर रेंज आपकी टेम्परेचर कई जगह आपने देखा होगा बहुत आपकी जहाँ हिले रीजन वगैरह जो होती है वहाँ पे आपके टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है जब स्नोफॉल होता है तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है उस केस में आपकी क्या होती है ऐसा तो है नहीं वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है वहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में हम एडमिक्चर ऐसा डालेंगे जिससे कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें जब कंक्रीट बना रहे हैं तो सेटिंग टाइप्स अगर हमें जल्दी कंक्रीट को सेट करना है तो हम वो उस टाइप्स के एडमिक्चर डालेंगे अगर हमें सेटिंग को डिले करना है तो हम लेट सेटिंग चाहिए तो उस टाइप्स के एडमिक्चर्स जाएंगे या अदर आपकी और भी कोई आपकी प्रॉपर्टी अगर हमें इन्हांस करनी है तो उसके लिए हम एडमिक्चर्स का यूज़ करते हैं एडमिक्सचर जो है नॉर्मली आपकी जो यूज करते हैं कंक्रीट में नॉट मोर देन टू परसेंट ऑफ दी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो भी आपकी कंक्रीट की वॉल्यूम है उसके दो परसेंट से ज़्यादा हम एडमिक्चर्स यूज नहीं करते हैं ये आपकी सिविल्स में आपकी हर एक चीज़ के लिए कोड है तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए भी हमारी कोड होती है तो उस कोर्स में आपकी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कितना एडमिक्चर्स हम यूज करेंगे अब आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स के जो एडमिक्चर्स जो आपके मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं और जिनका यूज लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं वो एडमिक्चर को हम देख लें एक आपकी होती है एक्सिलेटर्स एक्सेलरेटर्स नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या होता है एक्सलरेट कर देना मतलब जल्दी कर देगा मतलब अगर आपको एक्सेलरेटर जाल डालने से हमारी सेटिंग टाइम जो सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम थर्टी मिनट्स में आ रही थी वो आपकी कहीं दस मिनट्स में आ जाए जो हमारा कंक्रीट फाइनल सेट जो है वो दस घंटे में हो रहा था वो दो से तीन घंटे में आपकी सेट हो जाता है स्पीड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द कंक्रीट मतलब जो भी कंक्रीट में हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज कर देता है जिससे कि हमारी सेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाती है जिससे कि आपका जो भी हम कंक्रीट से स्ट्रक्चर बना रहे हैं जब आपकी कंक्रीट फाइनली सेट हो जाएगी तो वो लोड लेने के लिए तैयार हो जाती है एक आपकी होती है रिटार्डर्स सेकेंड एडमिक्स क्या होती है रिटार्डर्स रिटार्डर Retarder में रिटार्ड करना डिले कर देना तो ये हमारी क्या करती है सेटिंग टाइम्स को डिले कर देती है इसको डालने से आपकी जो होती है सेटिंग टाइम आपकी डिले हो जाएगी जहाँ बहुत ही हॉट वेदर होता है कंक्रीट की कास्टिंग हम नॉर्मली कहते हैं कि 27 डिग्री प्लस माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड पे कंक्रीट को हमें कास्ट करना चाहिए बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर जगह 27 जब गर्मियों में आपका टेम्परेचर 45 प्लस डिग्री हो जाता है उस समय भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उस केस में हम क्या करते हैं रिटार्डर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कंक्रीट जल्दी सेट हो जाएगा तो आपके उसमें क्रैक्स आ जाते हैं उसका सरफेस जो है वो क्रैक हो जाएगा तो इसलिए वहां पे हम रिटार्डर्स का यूज करते हैं जिससे कि कंक्रीट लेट सेट हो एक आपकी होती है एयर इंट्रेनर एयर इंट्रेनर्स आपकी जब आपने फ्रीजेंट जब कंक्रीट्स में आपकी बबल्स जब हम कंक्रीट्स बनाते हैं तो वॉइड्स रह जाते हैं क्योंकि आपकी इस, कई बार हमारे क्या एयरस वगैरह उसमें इंटर कर जाते हैं जिससे कि हमारी वाइड्स रह जाती है वो वाइड्स हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करते हैं तो उस केस में हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है तो हम एयर इंट्रेनर एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं नेक्स्ट आपका होता है प्लास्टिसाइजर प्लास्टिसाइजर जो है इसका यूज़ जो हम करते हैं वर्कबिलिटी को इनक्रीज करने के लिए प्लास्टिसाइजर से आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ज्यादा आती है उसको यूज करने से पिगमेंट्स होते हैं ये आपकी कंक्रीट्स की कलर को चेंज कर दे कई बार हमें अपियरेंस अच्छा चाहिए क्योंकि कंक्रीट्स का तो एक आपका डिफाइंड कलर होता है कि वो ग्रेस कलर्स के ही दिखेंगे तो आपको उसके कलर चेंज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स कि आपके डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स आते हैं उसको यूज कर सकते हैं एक आपकी होती है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्चर्स आपकी एक अभी मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपकी कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एंड एग्रीगेट अलोंग विद एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर या प्री डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ द वाटर मतलब जब कंक्रीट को हम कास्ट कर रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी को हमने प्री डिफेंड कर दिया तो ये जो होती है कंक्रीट हमारे नॉर्मल कंक्रीट्स के लिए वैलिड होती है बट जब हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को हाइयर ले जाते हैं इट मिस करने का मतलब है जब हम एम थर्ट थर्टी ग्रेड से ज्यादा कंक्रीट्स की डिजाइन करेंगे तो उस केस में आपको पानी कम करना पड़ेगा आई तो आपकी ये ग्राफ होती है जो भी स्ट्रेंथ कंक्रीट्स की जो होती है दैट इज योर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वाटर सीमेंट ratio. जितना ज्यादा पानी उतनी कम स्ट्रेंथ जितना कम पानी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ तो इसलिए हम पानी की को कम करने के लिए जब पानी आप कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो इन्ग्रीडियंट है वो मिक्स नहीं होगा तो उस पानी को कमी को पूरा करने के लिए जो एडमिक्सर्स हम यूज करते हैं उस एडमिक्सर्स को बोलते हैं वाटर रिड्यूसिंग वैसे ही आपकी होती है वाटर प्रूफिंग एंड डैम प्रूफिंग ये आपका डायग्राम है कैसे हम कंक्रीट्स बनाते हैं ये आपकी हम कंक्रीट्स के लिए क्या लेते हैं अगर नॉर्मल कंक्रीट बनाना है तो ये, ये आपका जो है फिगर में आप देख रहे हैं ये पोर्टलैंड सीमेंट है दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ सीमेंट इसी को हम बोलते हैं ओपीसी और यहाँ जब ये आपकी फ्लाई एस है जब कंक्रीट्स में हम फ्लाई एस एड कर देते हैं तो वो जो सीमेंट बनती है वो आपकी होती है पीपीसी ये आपके केमिकल एडमिक्स हैं जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं ये हमारी सैंड यहाँ देख रहे हैं जो यूज करते हैं कंक्रीट में ये स्टोन्स इस या इसी को हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट ये आपकी स्लैग सीमेंट है दिस इज योर वाटर दिज ऑल आर द इंग्रेडिएंट ऑफ दिस कंक्रीट तो वो जितने भी एडमिक्चर्स आपने देखे वो सारे आपके जो थे केमिकल एडमिक्सर थे ना वो आपकी मिनरल एडमिक्चर्स को हम डिस्कस कर ले फ्लाई एस होता है फ्लाई एस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दी कोल इंडस्ट्री जो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उससे आपकी जो उसके एस निकलते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम जब जनरेट करते हैं तो बर्न करने कोल को बर्न करने पे जो एस निकलते हैं उस एस जब वो आपके ग्राउंड सरफेस पे हमारे जमा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लाई एस नेक्स्ट आपका होता है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक ये आपकी स्टील जब बनती है स्टील्स के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनके वेस्ट आपके जो होते हैं उससे निकलता है एक आपकी होती है सिलिका फ्यूम ये हमारी जो सिलिकॉन इंडस्ट्री होती है उससे जो वेस्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं फ्यूम दीज ऑल आर इन सॉलिड स्टेट एक आपकी होती है क्रस्ड ग्लास रिसाइकल ग्लास कैन बी एडेड इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है डब्ल्यू बाई सी रेशियो अक्सर कहा जाता है कि हमने जीरो पॉइंट फाइव पानी लिया है तो वाटर जो भी आपका सीमेंट है सीमेंट की क्वांटिटी के कोरोस्पॉन्डेंस हम वॉटर की क्वांटिटी को लेते हैं तो वॉटर ये इन कंक्रीट हैज़ टू परफॉर्म फॉलोइंग टू फंक्शन दी वॉटर इंटर्स इन टू केमिकल एक्शन विथ सीमेंट एंड दिस एक्शन काजेज द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट वाटर लुब्रिकेट्स दी एग्रीगेट एंड इट फैसिलिटेट द पासेज ऑफ सीमेंट थ्रो वाइड्स ऑफ एग्रीगेट दिस मीन्स डेट वाटर मेक्स दी कंक्रीट वर्केबल वाटर को ऐड uh, करने से आपकी जो कंक्रीट होती है वो आपकी वर्केबल होती है वॉटर रिक्वायर फॉर दिस टू फंक्शन इन अबाउट जो वाटर जो होती है इट इज दी रेशियो यहाँ डेफिनेशन लिया रखा हुआ है दी रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर टू दमाउंट ऑफ सीमेंट बाई वेट टर्म दी वाटर सीमेंट रेशियो नॉर्मल कंक्रीट्स के लिए जो आपकी रेशियो होती है जीरो पॉइंट फाइव से जीरो पॉइंट सिक्स होती है ये आपकी होती है एम ट्वेंटी ग्रेड तक के लिए दी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट प्रेमली डिपेंड्स अपॉन दिस रेशियो आपको क्या स्ट्रें जो ग्राफ होती है स्ट्रेंथ का कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रपोजनल होती है आपकी w/c रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो जितना आपका वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा उतनी कम स्ट्रेंथ जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ द क्वालिटी ऑफ वाटर इज यूजुअली एक्सप्रेस इन लीटर पर बैग ऑफ सीमेंट एक बैग सीमेंट्स जो होती है उस वो आपकी कितनी एक बैग सीमेंट्स आपकी 50 केजी की होती है तो एक बैग सीमेंट्स के लिए हमें कितना लीटर पानी चाहिए तो सीमेंट्स को हम केजी में और वॉटर्स को हम लीटर में एक्सप्रेस करते फिफ्टी के जी इज इक्वल टू थर्टी फाइव लीटर सीमेंट्स का जो हमारा अगर सीमेंट्स को हम लीटर में एक्सप्रेस करें तो आपकी थर्टी फाइव लीटर होती है अब यहाँ कुछ ग्रेड दिया हुआ है कंक्रीट की ग्रेड हम किस वर्ग के लिए कौन सी कंक्रीट की ग्रेड यूज करते अभी बार बार आपका कंक्रीट की ग्रेड कंक्रीट की ग्रेड चल रहा है एम ट्वेंटी ग्रेड होती है एम ट्वेंटी आपका यहाँ दिखाया गया है की ग्रेड्स के बारे में पहले उसी को हम ग्रेड ही डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एश पर आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड यह आपकी इंडियन स्टैंडर्ड्स की कोड है जो आपकी कंक्रीट्स अगर हम बना रहे हैं तो उसमें आपकी प्रोपोर्शन जो है वो क्या रखेंगे और ग्रेड क्या होती है अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट्स बना रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ग्रेड डेजिनेशन और स्पेसिफिक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंक्रीट्स की जो स्ट्रेंथ हम निकालते हैं वो आपकी जो होती है एक क्यूब होती है वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी एम एम साइज की उस क्यूब्स में हम कंक्रीट्स को फिल करते हैं और अट्ठाईस दिन बाद आपकी जो उसकी स्ट्रेंथ आती है वो हमारी जो होती है वही कंक्रीट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आपकी क्यूब हो गई जिसकी साइज आपकी क्या है वन फिफ्टी एम एम है तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए एम टेन एम पंद्रह एम ट्वेंटी एम स्टैंड फॉर मिक्स एंड जो टेन है दिस इज स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर ट्वेंटी एट डेज ऑफ द क्यूरिंग तो स्ट्रेंथ को जो है हम डिनोट करते हैं उसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर लिखा हुआ है इन द दिजिनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स एम रेफर टू द मिक्स एंड द द नंबर टू स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ्टी एम एम साइज क्यूब एट ट्वेंटी एट डेज एक्सप्रेस इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो आपकी डिफरेंट ग्रेड होती है एम टेन से शुरू होती है एम टेन एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होती है एम ट्वेंटी फाइव टू एम फिफ्टी फाइव और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होती है वो आपकी एम सिक्सटी टू एम एटी तो एम एट्टी जो है तो उसकी आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी एट्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ये तो आपकी हो गई कंक्रीट्स की ग्रेड तो अभी इस कंक्रीट्स की ग्रेड्स पे हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स का क्या रेशियो यूज करेंगे ये आपकी यहाँ पे दिया हुआ है अगर हम एम टेन ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं एम तो टेन कंक्रीट की यूज हम कहाँ करते हैं मास कंक्रीट फाउंडेशन फॉर वॉल पियर्स एंड मास कंक्रीट वर्क इन कलवर्ड्स रिटेनिंग वॉल्स कंपाउंड एटीसी तो इसका मेन जो यूज होता है फाउंडेशन अगर हम यूज होता है इसका रेशियो क्या होती है वन इज टू थ्री टू सिक्स वन जो होती है वो आपकी होती है सीमेंट वन मींस सीमेंट एक पार्ट सीमेंट तीन पार्ट आपकी सैंड और सिक्स पार्ट आपकी जो होगी कोर्स एग्रीगेट और वाटर जो लेते हैं अब वो आपकी इसी के बेस पे अभी जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सिक्स जो वाटर सीमेंट रेसियो बताया था सीमेंट कितना के जी हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम वाटर की क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं अगर हमारी एम पंद्रह ग्रेड की कंक्रीट है एम पंद्रह जो है रेन फोर्स कंक्रीट बीम स्लैब कॉलम्स वॉल ए सी इन जनरल बिल्डिंग वर्क सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी लोड्स फाउंडेशन रिटेनिंग वॉल बंकर साइलोन्स पेमेंट इसका हम इसी दस समझिए तो जो भी जनरल बिल्डिंग्स होती है ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स वन स्टोरी टू स्टोरी वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं एम पंद्रह ग्रेड इसकी आपकी जो होती है वन इज टू टू इज टू फोर एक सीमेंट दो सैंड और फोर एग्रीगेट नेक्स्ट आपकी होती है एम ट्वेंटी ग्रेड फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर लॉन्ग पाइल्स कॉलम्स एंड अदर मेम्बर सब्जेक्टेड टू मीडियम लोड्स रूफ स्लैब विदाउट्रेसिंग ए टी इसमें आपकी होती है एक डेढ़ तीन अगर इसके ऊपर जाएंगे एम ट्वेंटी फाइव तो उसमें आपकी होती है एक एक दो एक सीमेंट एक सैंड और दो एग्रीगेट्स ये आपका जो दिख रहा है ये हमारी जो है एम सेवन पॉइंट फाइव है एक चार आठ अब ये जो है एम फाइव है पहले यूज होता था अब आजकल जो है आई एस फोर फाइव सिक्स के अकॉर्डिंग एम टेन से बिलो ग्रेड के कंक्रीट को हम यूज नहीं करते हैं अब नाउ कम्स टू तो दी वर्कबिलिटी क्या होती है कंक्रीट की बहुत वर्कबिलिटी ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे द टर्म वर्केबिलिटी इज यूज टू डिस्क्राइब द एज और डिफिकल्टी विथ विच द कंक्रीट इज हैंडल्ड ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस बिटवीन द फॉर्म्स विथ मिनिमम लॉस ऑफ होमोजिनिटी इट इज़ दी फ्रेश प्रॉपर्टी ऑफ दी कंक्रीट्स तो वर्केबिलिटी जो होती है हम चेक करते हैं कि कितना आपकी कंक्रीट जो है होमोजीनियस होना चाहिए जब उसको हम प्लेस करें तो आपकी जो भी है उसके इंग्रेडिएंट हैं वो एक साथ एक यूनिफॉर्म वे में फ्लो करना चाहिए यहाँ लिखा ऑन दी अदर हैंड इफ दी कंक्रीट मिक्सचर इज टू ड्राई इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड प्लेस इट इन पोजीशन एंड हैव मोर इन एयर विद इन द कंक्रीट तो आपकी इतना उसमें आपका जब उसको मिक्स करें तो इतना वो वेट होना चाहिए इतना गीला होना चाहिए जिससे कि आपकी क्योंकि आपकी जो डेंसिटी होगी एग्रीगेट्स की वो आपकी साइड की डेंसिटी से सैंड और एग्रीगेट की डेंसिटी इक्वली होती है और सीमेंट्स की आपकी कम होगी तो जितना आपकी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नीचे सेटल डाउन होने का तो कोशिश करेंगे तो इसलिए आपकी इतना उसमें आपका वेट होना चाहिए इतना यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए कि एक साथ वो फ्लो करे सारे के सारे मटेरियल तो ही हमारी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी अब नम मेथड्स ऑफ कंक्रीटिंग जब हम कंक्रीट्स को बनाते हैं तो क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं सबसे पहले तो बैचिंग ऑफ कंक्रीट बैचिंग जो क्या होती है बैचिंग हमारी सबसे पहले उसको वेट करना जो भी सीमेंट है सैंड एग्रीगेट्स है वाटर है सबको वेट करना कितना सीमेंट लेना है कितना सैंड लेना है कितना वाटर लेना है तो ये इसी को हम बोलते हैं बैचिंग ऑफ कंक्रीट सब तो बैचिंग आपकी दो टाइप्स की होती है वॉल्यूम बैचिंग वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग और वेट बैचिंग वॉल्यूमेट्रिक वैक्चिंग में क्या होती है सारे मटेरियल्स को हम एकॉर्डिंग टू वॉल्यूम हम लेते हैं कोई एक एक आपका बॉक्स बक्सा होता है डब्बा होता है उस डब्बे की हमें वॉल्यूम पता होती है तो अगर हमें बनाना है एक डेढ़ तीन ग्रेड की कंक्रीट मतलब एम ट्वेंटी ग्रेड की कंक्रीट बनानी है तो हम उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उस जो बॉक्स है उसमें ए, एक पार्ट हम सीमेंट ले लेंगे डेढ़ पार्ट सैंड ले लेंगे और थी तीन पार्ट्स एग्रीगेट ले लेंगे तो ये हमारी होती है वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग नेक्स्ट आपकी होती है वेट बैचिंग हर एक आपके इंग्रेडिएंट्स को हम वेट करेंगे जो भी वेइंग मशीन होती है उससे वेट करके जो हम करें तो वो आपकी होती है वेट बैचिंग लेक जब स्मॉल आपका वर्क होता है उस केस में तो वेट बैचिंग आपकी काम करती है पर जब हमें ज्यादा करना होता है तो वहां पे आपकी ये पॉसिबल नहीं होती है बैचिंग नेक्स्ट आपकी होती है जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को तौल लिए बैचिंग कर लिए तो अब उसको हम मिक्स करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स आपकी होती है सेकंड स्टेप्स मिक्सिंग दी मटेरियल ऑफ कंक्रीट अब कंक्रीट के जो भी मटेरियल्स हैं उनको एक साथ मिक्स करना तो अब मिक्स करने के दो मेथड्स होते हैं एक हैंड मिक्सिंग होती है एक मशीन मिक्सिंग होती है हैंड मिक्सिंग से क्या करेंगे एक आपका सीमेंटेड प्लेटफॉर्म होगा सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पे हम क्या करेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स ये सारे मटेरियल ड्राई फॉर्म में रखेंगे और इनको जो है जो कस्सी आती है फावड़ा जो आप देखते हैं उससे हम ड्राई फॉर्म में ही क्या करते हैं हाथ से मिक्स करते हैं आपने देखा होगा जो भी आपके घरों वगैरह पे जब कंक्रीट का काम चलता है तो उस केस में आपकी हैंड मिक्सिंग यूज करते हैं जब कम मसाला बनाना होता है और आपकी जब ड्राई फॉर्म में सारे मटेरियल यूनिफॉर्मली आपके मिक्स हो जाते हैं तो उसको एक हम्प शेप में बना देते हैं सर्कुलर और बीच में क्या करते हैं गड्ढा कर देते हैं फिर वाटर फिल करते हैं और थोड़ा थोड़ा फिर हम उसको फिल करते नहीं तो अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट आपको ऐसे ही उसमें वाटर डालेंगे तो पूरा वाटर आपकी बाहर फ्लो हो जाएगी तो ये तो आपकी होती है हैंड मिक्सिंग नेक्स्ट आपकी होती है मशीन मिक्सिंग एक आपकी कंक्रीट मिक्सर आती है अभी आगे आपको फिगर में दिखाएंगे तो कंक्रीट मिक्सर से क्या करते हैं सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ड्राई फॉर्म में डाल दिया और मिक्सर को चला दिया सब एक दूसरे से मिक्स हो गए अब उसके बाद से आपकी जो भी उसमें वाटर डालना है वाटर को डाल देंगे तो थोड़ी देर में आपकी जो है कंक्रीट पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी ये जो अभी मैं बता रही थी आपकी हैंड मिक्सिंग का ये प्रोसेस है ये सीमेंट्स लिया वन टू फोर एक सीमेंट है दो सैंड है और चार ये आपके एग्रीगेट्स हैं इसको कंबाइन ड्राई देन मिक्स ये हमने ड्राई फॉर्म में कंबाइन कर लिया एक हम शेप बना लिया बीच में आपने देखा है यहाँ पे एक हमने गड्ढा कर दिया ये वाटर हमने बकेट में रखा हुआ है फिर इसको डालेंगे और फिर धीरे धीरे हम उसको मिक्स करेंगे ये यह यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी जो मिक्सिंग चल रही है हैंड मिक्सिंग की प्रोसेस चल रही है सबको अभी यहाँ ये ड्राई फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं देन वाटर्स को हम क्या करते हैं एक सर्कुलर फॉर्म बना देते हैं उसके अंदर पानी रखते हैं और फिर उसको हम पूरा ढक देते हैं ये यह देखिए यहाँ तीन वर्कर्स लगे हुए हैं और उसको कैसे मिक्स कर रहे हैं तो ये सारा जो है हैंड मिक्सिंग अब ये आपका जो भी मैं कंक्रीट मिक्सर का बता रही थी ये आपका कंक्रीट मिक्सर होता है इसमें हम क्या करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई फॉर्म में डाल के चला देंगे उसके बाद से पानी डाल दिया तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कंक्रीट बन के तैयार है एक ये आपकी होती है रेडी मिक्स कंक्रीट ये आपकी ट्रक देखा होगा कंक्रीट्स को लेकर जाने वाली तो इसमें भी क्या करते हैं कंक्रीट्स को सारे इसमें एक वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ पे रखा हुआ है इसमें कंक्रीट को सारे ड्राई फॉर्म में डाल देते हैं और जब ये ट्रक जाती है तो रास्ते में आपकी अगर साइट हमारी ज़्यादा दूर नहीं है तो रास्ते में ही इसमें वाटर जो है थोड़ी 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 थोड़ी, थोड़ी इसमें जाती रहती है और कंक्रीट आपका मिक्स होता रहता है ये ट्रक जो है आप देखे होंगे कि हमेशा रोटेट होता रहता है और इससे कंक्रीट मिक्सर से बना के फिर हम क्या करते हैं इसको हम रोटेट करके पूरा कंक्रीट को निकाल लेते हैं और फिर जहां भी ले जाना है उसको प्लेस कर देते हैं आप कंक्रीट्स मिक्स करने के बाद से आपका नेक्स्ट काम क्या है ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट्स को ले जाना अगर आपके साइड थोड़ी दूर पे है तो क्या आपने देखा होगा लेबर होते हैं लेबर क्या करते हैं कंक्रीट्स को मैनुअली ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं सर पे रख के ले जाएंगे या उसको हाथ में उठा के ले जाते हैं कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड बाई हैड लोड सर पे रख के ले जाए जाते हैं फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग वर्क के लिए ये ह्यूमन लैडर थोड़ी ऊंचाई पे है तो एक सीढ़ी होती है सीढ़ी पे चढ़ के जो है जो भी लेबर होता है वो उसको ले जाता है एक आपकी होती है सेमी मैनुअल छोटी सी आपने देखी होगी सामान ढोने वाली जो वो होती है हाथ से चला के ले जाने वाली ठेली टाइप्स की होती है उससे लेके जाते हैं तो वो आपकी होती है सेमी मैनुअल ट्रांसपोर्ट करके ले जाए जब थोड़ा सा दूर हो और ज्यादा लेके जाना है तो उसके में क्या करते हैं जो आपकी छोटी सी आपकी होती है गाड़ी उसमें भर लेते हैं और उसको हम एक बंदा उसको लेके जाता है उसमें दो व्हील लगे रहते हैं एक आपकी होती है फुल्ली मैकेज जब आपकी आपने देखा होगा जब हमारी रूप छत ढलती है तो उस समय आपकी जो कंक्रीट को ले जाने के लिए कोई आदमी तो लेके जाता नहीं है क्योंकि अगर ऐसे ढोक ले जाएंगे तो आपकी जो रूफ है वो बन चुकी दस दिन में तो उस केस में आपकी जो होती है फुली ऑटोमेटिक आपकी मशीन होती है जैसे जैसे कंक्रीट बनती जाती है और लिफ्ट के थ्रू आपकी कंक्रीट को पूरा एक ही बार में ऊपर पहुंचा देता है जितनी ऊपर लेके जाना है हेलीकॉप्टर विथ तो बकेट्स होते हैं कंक्रीट पंप्स होते हैं कन्वेयर्स होते हैं क्रेन्स होते हैं ये आपके डिफरेंट आपके वो होते हैं फुली मैकेनिक टाइप्स के इक्विपमेंट नेक्स्ट आप कंक्रीट को हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया जहां लेके जाना था वहां पहुंचा दिए तो अब अगला आपका काम क्या होता है प्लेसिंग अब उसको कहाँ प्लेस करना है तो जो भी उसको कंक्रीट को आपको प्लेस करना है वहां पे पहले हम क्या करते हैं एक फॉर्म वर्क बनाते हैं वुड का हो सकता है प्लाईव का हो सकता है या स्टील का होता है एक टेम्प्रोरी आपने बना दिया नहीं तो अगर हम फॉर्म वर्क नहीं बनाएंगे कंक्रीट प्लेस करेंगे चूंकि वेट फॉर्म में है तो पूरा का पूरा कंक्रीट हमारा क्या हो जाएगा गिर जाएगा बह जाएगा तो उस केस में आपका क्या होता है वर्कर्स पोर द वेट कंक्रीट इन टू फॉर्म्स मेड ऑफ वुड प्लाईवुड और स्टील कॉलम्स बनाना है तो हमने एक सेटरिंग करनी होती है कॉलम्स जिस शेप में चाहिए उस शेप में आपकी एक सेटरिंग कर देते हैं उसके बाद हम उसमें कंक्रीट्स को फिल करते हैं तो प्लेस करते हैं उसको अब आपके क्या, क्या क्या जब कंक्रीट्स को प्लेस करें तो क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करना चाहिए फॉर्म वर्क शुड बी प्रॉपरली क्लीन एंड वेल वॉटर्ड जो भी फॉर्म वर्क होना चाहिए उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर ऑयलिंग की हुई होनी चाहिए कंक्रीट सूट भी नियर एज प्रैक्टिकल कंक्रीट्स को नज़दीक से प्लेस करना चाहिए दूर से गिराएंगे तो आपके कंक्रीट जो है इधर जो भी आपके एग्रीगेट्स है वो दूर दूर जाके छटक जाएंगे लार्जर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी डिपॉजिट एट एट टाइम एक समय में ऐसा नहीं है कि हम पूरे कंक्रीट जो भी वेट गीला कंक्रीट बनाए एक ही जगह ले जाकर रख दें अब उसको जगह जगह फैलाते रहे तो वो आपकी क्या होगी नीचे वाला पार्ट जो होगा वो सेट हो जाए तो थोड़ी थोड़ी समसम -सम डिस्टेंस पे हम क्या कंक्रीट को प्लेस करते हैं उसके बाद से उसको हम फैलाते हैं द कंक्रीट शुड बी डिपॉजिट इन होरिजोटल लेयर ऑफ अबाउट वन फिफ्टी एम एम इन हाइट कंक्रीट कोरिजोंटल लेयर डिपॉजिट करना चाहिए कंक्रीट शुड बी प्लेस इन सिंगल थिकनेस जो कंक्रीट को प्लेस करे वो एक सिंगल थिकनेस में प्लेस करना चाहिए आपकी ये कुछ प्रिकॉशन दी हुई है कि हम जो प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं अब कंक्रीट को प्लेस कर दिया तो आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स कंक्रीट जो है वो इनिशियली सेट हो जाएगी जब कंक्रीट इनिशियली सेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं कंक्रीट्स की क्यूरिंग करते हैं उसको हम पानी से तराई करते हैं आपने देखा होगा चौबीस घंटे बाद अड़तालीस घंटे बाद हम कंक्रीट को पानी से तराई करते हैं तो so, क्यूरिंग क्या होती है क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट अंडर ए स्पेसिफिक इन्वामेंटल कंडीशन टू मेंटेन एन इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी अराउंड फ्रेशली प्लेस कंक्रीट टिल द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज रिलेटिवली कंप्लीट तो कंक्रीट को आपकी जो भी आपकी स्पेसिफिक इन्वामेंट कंडीशन के लिए जो हम बनाए हैं तो आपकी जो भी कंक्रीट्स में जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन प्रोसेस आपकी चालू रहती है तो इसलिए आपको उसमें आप टाइम टाइम पे हमें पानी डालना होगा नहीं तो आपके ज्यादा आपकी अगर हॉट वेदर होगा तो उसके हमारे सारे कंक्रीट्स के अंदर जो पानी होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे तो कंक्रीट्स आपकी स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगी तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें पानी डालते रहते हैं ताकि कंक्रीट्स हमारा ड्राई ना हो तो क्यूरिंग आपकी कई तरह से होती है आपने देखा कई बार हम क्या करते हैं छोटे छोटे पॉइंट बना देते हैं मेथड्स ऑफ क्यूरिंग क्या होती है पॉन्डिंग विथ वाटर छोटा छोटा मिट्टी से हम वो ब्लॉक बना देते हैं उसके अंदर पानी भर देते हैं कंक्रीट को आपने देखा होगा जूट के बैग से हम कवर कर देते हैं जो भी हमारे कॉलम्स वगैरह बनती है तो जूट का बैग गीला करके कंक्रीट से चारों तरफ हम लपेट देते हैं और कुछ टाइम बाद, बाद उस पर हम पानी गिराते रहते हैं कवरिंग कंक्रीट विथ वेट सैंड सा डस्ट ए जब हम रोड्स वगैरह बनाते हैं कंक्रीट की रोड बनती है तो उस केस में हम क्या करते हैं कंक्रीट्स को गीली मिट्टी बालू से या डस्ट वगैरह से कवर कर देते हैं तो ये सारे हम कवरिंग कंक्रीट विथ वाटर प्रूफिंग पेपर या पॉलीथीन सीट ये भी हमारी होती है वाटर प्रूफिंग पेपर से हम कंक्रीट्स को पूरा कवर कर देते हैं जिससे कि आपको उसकी क्यूरिंग होती रहे इंटरमिनेंट स्प्रेइंग विथ वॉटर एंड कंटिन्यूस स्पार्कलिंग ऑफ वाटर स्प्रे करते रहते हैं आपकी पाइप वगैरह जो होती है उससे हम कंक्रीट्स को स्प्रे करते रहते हैं अप्लाइंग क्यूरिंग कंपाउंड कई तो आपकी आपकी क्यूरिंग कंपाउंडस होती है उसको हम उस पर कंक्रीट्स पर अप्लाई कर देते हैं ये हमारे डिफरेंट मैथड्स ऑफ क्यूरिंग होती है नाउ कम्स टू दी क्या आपके ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का फिजिकल या फील्ड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट तो कंक्रीट्स की आपकी जो टेस्टिंग होती है सिक्स कॉमन क्वालिटी टेस्ट ऑन कंक्रीट बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीसन ऑफ कास्टिंग ऑन साइट जब भी हम कंक्रीट को साइट्स पे बनाते हैं तो आपकी छह इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं सबसे पहला जो टेस्ट होता है स्लम टेस्ट होता है बिफोर लिविंग द बैचिंग प्लांट एंड ऑन अराइवल ऑफ साइट कंक्रीट को साइड पे ले जाने से पहले और कंक्रीट को मिक्स करने के बाद एक टेस्ट करते हैं ये जो होती है कंक्रीट की फ्रेश प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट जैसे जैसे फ्रेश बना उसको चेक करते हैं तो उसी को अब बोलते हैं प्रॉपर्टी जो होती है स्लम टेस्ट स्लम टेस्ट से हम क्या करते हैं कंक्रीट्स की वर्केबिलिटी को निकालते हैं कि आपकी जो कंक्रीट जो हमने बनाया है वो आपकी होमोजेनियस यूनिफॉर्म बना है या नहीं बना है नेक्स्ट आपकी जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ये आपकी हार्ड एंड प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट जब आपकी हार्ड हो जाती है तो जो हम टेस्ट करते हैं तो वो आपकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट उसी में आपकी आती है वाटर परमेबिलिटी टेस्ट मतलब वाटर उसके थ्रू पास हो रहा है परमिबिलिटी मतलब वाटर कंक्रीट के थ्रू पास नहीं होना चाहिए बट ऐसा नहीं है कि पास नहीं तो कुछ कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर तो पास होते हैं तो वही हम देखते हैं कि, कि कितना आपका वाटर पास हो रहा है वाटर परमिबिलिटी टेस्ट रैपिड क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन टेस्ट वाटर एब्जॉर्बसन टेस्ट कंक्रीट आपका कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है इनिशियल सरफेस एब्जॉर्बसन टेस्ट ये हमारे सिक्स टेस्ट है स्लम टेस्ट ये स्लम टेस्ट जो है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को निकालने के लिए की जाती है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट थ्री टाइप से निकालते हैं है, है, है. इन तीनों से ही हमारी जो है वर्कबिलिटी निकलती है आफ्टर बैचिंग कंक्रीट ए सैंपल ऑफ फ्रेश कंक्रीट सेल बी टेकन टू टेस्ट फॉर स्लम टेस्ट एंड दी सैंपल्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बी टेकन टू दिस इज मेक्स्योर दैट द बैचिंग कंक्रीट इज प्लाइंग विथ द मिक्स डिजाइन बिफोर इट्स रिलीज फ्रॉम दी बैचिंग प्लाट्स तो इसमें आपकी स्लम टेस्ट का एक अप्रेटर होता है स्लम कोन होता है उसके अंदर कंक्रीट्स को हम थ्री लेयर्स में फिल करते हैं फिर टम्पिंग राड्स ट्वेंटी फाइव स्टोक देते हैं आफ्टर ईच लेयर्स और देन हम क्या करते हैं जो भी हमारा कोन होता है उसको उठा कर देखते हैं और देखते हैं कि कंक्रीट जो है हमारे कितना आपका ड्रॉप डाउन हुआ जो कोर्स है तो जो हमारा ड्रॉप डाउन होता है उसकी रीडिंग ले लेते हैं वही आपकी स्म वै स्लम वैल्यू होने की नेक्स्ट आपकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है ये हम कंक्रीट्स के जो भी क्यूब्स होते हैं क्यूब्स या सिलेंडर्स पे हम उसको कंक्रीट को कास्ट करने के बाद से ट्वेंटी एट डेज के क्यूरिंग के बाद से कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जो सी टी एम होती है उस पर हम टेस्ट करते हैं तो वो आपकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मिनिमम थ्री नंबर ऑफ स्पेसीमैन हम टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए वाटर परमिबिलिटी टेस्ट ये वाटर परमिबिलिटी टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इससे आपकी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पता चलती है कि कंक्रीट हमारा कितना ड्यूरेबल है नेक्स्ट आपकी होती है रैपिड क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन टेस्ट जैसे कि हमारी परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं उसी तरह हम कंक्रीट्स की ड्यूरेबिलिटी के लिए रैपिड क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं कि क्लोराइड के कंटिन्यूस कांटेक्ट में आने के बाद कंक्रीट्स की हमारी जो है स्ट्रेंथ में क्या डिटोरिएशन हो रहा है नेक्स्ट आपका होता है वाटर एब्जॉर्बसन टेस्ट वाटर एब्जॉर्बसन टेस्ट में भी आपका क्या होता है क्यूब्स लेते हैं क्यूब्स को हम 28 दिन तक पानी में रखते हैं पानी में निकाल के निकाल के 24 घंटे तक उसको हम डिम वो करते हैं चेक करते हैं और उसके बाद से हम देखते हैं कि पहले का वेट ले लिए और पानी में डाल के निकाला उसका वेट ले लिया तो इससे हमारे पता चलती है कि, कि कंक्रीट हमारा कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है नेक्स्ट आपका है इनिशियल सरफेस एब्जॉर्बसन टेस्ट इसमें भी हम क्या करते हैं थ्री क्यूब सैंपल लेते हैं जो भी कंक्रीट इस फिर उसके बाद से उसको क्योरिंग और प्लेसिंग और फिर टैंक्स में अट्ठाईस दिन की क्योरिंग के बाद इसका टेस्ट करते हैं दी वाटर परमिबिलिटी टेस्ट रैपिड क्लोराइड आयन पेनेट्रेशन टेस्ट वाटर एब्जॉर्बसन टेस्ट एंड द इनिशियल सरफेस एब्जॉर्बसन टेस्ट टू डिटमाइन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट िटी टू रजिस्ट वमिकल अटैक एंड एनी प्रोसेस ऑफ डिटेरियन तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए ये सारे टेस्ट करते हैं और कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसकी वर्कबिलिटी निकालने के लिए हम स्लम टेस्ट करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर्स आई होप यू अंडरस्टैंड द वॉट इज कंक्रीट एंड कंक्रीट्स के आपके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्या आपकी कंक्रीट्स की ग्रेड होती है क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है